Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पाकिस्तान में इस वक्त अच्छा खासा बवाल मचा पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में बवाल इसलिए है क्योंकि कयास इस बात के लग रहे हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा धीरे धीरे पाकिस्तानी हुकूमत के हाथ से फिसलती चली जा रही है। और तो और, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा के इलाके को लेकर अच्छा खासा हंगामा बरपा हुआ है। यही वजह है कि बलूचिस्तान से आने वाले नेता और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चीफ अख्तर मेंगल ने नेशनल असेंबली से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि देश की सरकार ने बलूचिस्तान में अपना विश्वास खो दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि वहाँ के हालात से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ना ही राष्ट्रपति ना ही प्रधानमंत्री वो किसी भी तरह से बलूचिस्तान के हालात को सुधारना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बात इससे आगे भी बढ़ी और जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने भी नेशनल असेंबली में अपनी बातें रखी। वहां नेशनल असेंबली में बात कहते हुए उन्होंने सरकार को आईना दिखा दिया। आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया और ये कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में हालात ऐसे हैं कि वहां ग्रुप बनाकर लोग रॉकेट लॉन्चर लेकर हाथों में चल रहे हैं। उनके पास अत्याधुनिक हथियार आ गए हैं जिसके दम पर वहां वसूली हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के हालात को सरकार वाकई में सुधारने में दिलचस्पी रखती है तो उसके लिए उन्हें वहां जमीन पर उतरना होगा और वहां के आम लोगों की आवाज सुननी पड़ेगी। कि उन्होंने अपने अफगानिस्तान दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि हाल में जब मैं अफगानिस्तान के दौरे पर गया था, वहां पाकिस्तान के लगते इलाकों को लेकर जो हालात थे उसे लेकर जब उन्होंने बात की तो हालात में सुधार आया। इसी तरह की नीति अब सरकार को खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के इलाके में अमल करने की जरूरत है जिससे वहां के कानून व्यवस्था को संभाला जा सके। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वहां के स्थानीय नेताओं को नज़रअंदाज किया गया तो इसका भी गंभीर परिणाम उन्हें भुगतना पड़ सकता है। और यही वजह है कि हाल के दिनों में खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के इलाके में ताबड़तोड़ तरीके से हमले हो रहे हैं जहां सैकड़ों की संख्या में लोग अब तक मारे जा चुके हैं। हाल ही में 26 अगस्त को जब वहां एक बड़ा हमला हुआ जिसमें 70 से अधिक लोग मारे गए, 14 से अधिक सुरक्षा कर्मी मारे गए, तो उसे लेकर पूरे पाकिस्तान में हंगामा बरपा हुआ है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरह से मजबूत होती चली जा रही है वो भी पाकिस्तान की सरकार के लिए अच्छा खासा चिंता का विषय है। अब ऐसे में पाकिस्तान के सारे खेमों से आवाज़ आने लगी है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा के हालात को सुधारने के लिए सरकार को वाकई में ज़मीन पर उतर कर काम करना होगा, वरना किसी भी दिन कोई गंभीर खतरा पूरे देश के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।